यूपी बुलेटिन लाइव सहारनपुर से प्रभारी विक्रम वर्मा की रिपोर्ट। सहारनपुर। नई दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी सहारनपुर को पत्र सौंपा। प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने आरोप लगाया कि सचिव व पटवारियों के द्वारा अपनी मनमानी करना, अधिकारियों को गुमराह कर और खुलकर भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रधान संगठन के बैनर तले जिलाधिकारी को पत्र देकर इन समस्याओं को जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की है। प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने लेखपाल, ग्राम सचिव पर आरोप लगाया कि वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ग्राम पंचायतों में जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी राशन कार्ड का सत्यापन नहीं कर रहे हैं, ग्राम पंचायतों में रोस्टर के अनुसार उपस्थित न होना, ग्राम पंचायत में परिसंपत्ति और ग्राम समाज की भूमि के संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जाना, ग्राम पंचायतों में समय से बैठने बैठक करना, लेखपाल ग्राम सचिव के द्वारा निर्णय मनमर्जी से लेना, वृद्धावस्था पेंशन विधवा पेंशन का न बनाया जाना और पेंशनधारियों को पेंशन न आना, मनरेगा योजना में समय सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद मजदूरी ने बढ़ाया जाना, सफाई कर्मचारियों का समय समय पर गांव से हटाकर अलग अलग जगह पर ड्यूटी लगाए जाने, प्रतिबंध लगना जिससे ग्रामों में गंदगी व संक्रामक बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है, गांव में पेयजल की व्यवस्था के लिए कार्य चल रहा है लेकिन पेयजल वाली कंपनियां प्रधानों से संपर्क न कर गुणवत्ता पर ध्यान न देकर गलत कार्य कर रही है। अध्यक्ष संजय वालिया ने पत्र में मांग की कि समय समय पर उच्च स्तरीय अधिकारियों के द्वारा ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर ग्रामीण समस्याओं पर एकतरफा कार्रवाई न की जाए, बल्कि ग्रामीणों में ग्राम प्रधान द्वारा दर्शाई गई समस्याओं का समाधान प्रतीक बकाया है तथा सदस्य बनाकर ग्रामों में विकास कार्य कराया जाए। संगठन ने जिलाधिकारी से मांग करते हुए संगठन की समस्याओं का निराकरण करने की मांग। नई दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के द्वारा आज ये धरना रखा गया है क्योंकि सीडीओ साहब, डीपीआरओ साहब, एटीएम साहब, डीएम साहब सबको हम ज्ञापन दे चुके हैं, कोई सुनवाई होने का काम नहीं हो रहा है। आज सेक्रेटरी और प्रधानवाद है, सेक्रेटरी और पटवारी वाद है, प्रधानवाद खत्म हो गया है। प्रधान ही को सुनकर राजी नहीं है, गांव के गरीब आदमी को सुनकर राजी नहीं है, पटवारी सेक्रेटरी सिर्फ वो काम करते हैं जिसमें उनका फायदा होता है। कोई कागज मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना चाहो टाइम नहीं है, आय प्रमाण पत्र बनाना चाहो टाइम नहीं है, जो लोग पैसे वाले हैं उनका 48,000 का आय प्रमाण पत्र बन जा, जो लोग गरीब है उनका 1,00,000 का बने, उन्हें सुविधा नहीं मिलती है। नरेगा में ले लो आप, हमारे योगी जी ने 8 या 9 घंटे का काम टाइम कर दिया नरेगा, लेकिन पैसा बढ़ने का काम नहीं हुआ। हम उनसे भी निवेदन करते हैं जब टाइम बढ़ा है तो पैसा बढ़ना चाहिए। पेंशनें जितनी हमारी हैं सब या तो बंद पड़ी है और नहीं बढ़ नहीं रही है। ऊपर से साफ आदेश है योगी जी के कि कोई आदमी ऐसा ना रहे जिसकी पेंशन ना बने, उसके बावजूद ये अधिकारी करने काम नहीं करते। पेयजल व्यवस्था है, पैसे की बंदरबांट हो रही है, और सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, पटवारी क्या खेल खेल रहे हैं, गांव में जो जमीनें हैं एक चिंता से घेर के चले जाए, क्या जमीन पर कब्जा होगा, प्रधान करवाओगा, लठ लेकर सारे गांव वाले प्रधान के पीछे भाग लें। अगर वो जो जमीन सरकारी है गांव वालों को बिठाओ, उन्हें समझाओ और उस पर काम कराओ, वो नहीं करेंगे कि प्रधान नकाज पर कब्जा कर लो, प्रधान पीटता फिरेगा। साफ सुथरा कहना चाहते हैं, बहुत साफ निवेदन है हम मोदी जी और योगी जी की जो नीतियां हैं उनमें विश्वास रखते हैं, उन्हें करने पक्षधर है, क्योंकि कोई भी ऐसा आदेश जो ऊपर से आने का काम होता है निभाने का काम करना सारे करता है, लेकिन साफ कहना चाहते हैं छोटा अधिकारी सुनने का काम नहीं करता। 2.5 महीने पहले सेक्रेटरी के ट्रांसफर हुए थे, आज तक किसी ने पत्रभार ग्रहण नहीं किया, अगर कर भी लिया खाते थोड़े बहुत खुल भी गए, जो हमने 6-6 महीने पहले पैसे का काम कर रखा है ठेकेदारों ने पैसे काटने का काम, लेकिन सेक्रेटरी बात खत्म करना होगा। डीएम साहब को प्रधानों की जनता की बात सुननी होगी, अगर नहीं सुनेंगे अनिश्चितकालीन धरने पर आने का काम, हम सुबह 11 बजे धरने पे हैं, नहीं आए थे, बीच में 2-3 अधिकारी आए थे कि आप धरना नहीं दे सकते, आप डीएम कार्यालय पर नहीं बैठ सकते, हमने साफ कहा डीएम हमारे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, अगर हम उसे बात नहीं कहेंगे उसके यहाँ नहीं आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, अगर डीएम साहब वहां मिल जाते तो हमें शायद धरना देने की जरूरत न पड़ती, हम उन्हें अपनी बात कह के चले जाते।